है कुछ दो तीन बंदे जो कुछ टिप्पणी कर रहे थे मेरे बारे में, तो उसमें क्या आया जो भाई दो तीन बंदे हैं, एक तो लैम्बोर्गिनी में घूमे हैं, ठीक है जी, एक हमर में घूमे हैं और एक वह मैं डिफेंडर में घूमे हैं और उनकी फ्यूल टैंक हमेशा फुल रहे। यार ऐसे आदमी बोले जिनके कुछ बस की नो है, कुछ भी बस की नो, दोहरे बैठ जा तो चिड़े कह रहा हूँ, अगर तो पास में बैठ जाओ तो दिक्कत है, विशाल के दोहरे कोई बैठ गो तो भैया तू अगर दोहरे बैठा मेरे गैल में बैठी हो, ये कह रहा मैं उनके। हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई आवाज से ही पता लग रही होगी परेशान हो गई, डॉक्टर के जा रहा हूँ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। विक्रम उखड़ा दोनों जा रहे हैं, मन के विक्रम ले चल भैया कभी वो गाड़ी भी चले, बहुत हालत बेकार हो रही है टाइम, मतलब यूँ लगा लो कि ऐसा लग रहा पड़ा रहे हूँ तो पूरे शरीर में दर्द हो गए, समझ में आ रही क्या करूँ। बारिश तो पूरी रात हुई ना, पूरी रात हुई, मैं रात तो कहते यूँ लगा लो शरीर तो उठा ना जा रहा, बस चला ही रहा हूँ गाड़ी भी इतनी। आज तो ऐसा लगा विक्रम जैसे पूरे दिन बारिश होगी, हल्की हल्की सी चली रही है। हाँ ठीक है यार, बहुत ज्यादा गर्मी कल, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी कल, तो हमने भी रिकॉर्ड ही तोड़ दी, डॉक्टर से पहले ही पहुंच गए हैं, जब हम बैठ गए ना जब आया डॉक्टर, डॉक्टर से पहले ही स्थान ग्रहण कर लिया हमने और यूरी अपनी दवाई की पुड़िया ये रखी। हमें लेकरते हैं नहीं 10 कस्टमर देखिए यार, ये खांसी की दे ना यार, ऐसी पी के अग्रवाल डॉक्टर है वो भी दे, ऐसी सारे देते दिखे यहाँ, ऐसा लगा बालकन की सी भाई, हम नशा रहे हैं अभी तो मैं सो जाऊं सही में, क्योंकि परेशान चल रहा हूं बस हैं, दो बेर पी सुबह पी जाऊंगा और कहीं कोई ज्यादा है ये तो एक बेर में पी जाएंगे, आ तो इतनी सारी दवाई लेनी है मम्मी, इतनी सारी दवाई लेनी है, देख लो दवाई ऑफिस पे आ गए, अच्छा बोलो नींद आ गई, दवाई ली मैंने अभी थोड़ी देर पहले, नींद आ गई, पर ठेकेदार को फोन आ गया कि सामान लेकर आना थोड़ा सा, भाइयों की जरूरी है और कोई है ना कौन लेकर आता, पापा भी नहीं हो तो आना पड़ेगा, बाकी भाई फिर भी खुश रहेंगे हम तो, काम हो जाए जल्दी से जल्दी। पहले पीछे की लगा दे या? ना ना पीछे की लगाओ पहले, ये है मेन, ये तो ज्यादा टाइम तुम्हें इनमें लगाएगा, ये ठीक। हाँ भाई आज तो समझ ही ना आ रही कि व्लॉग बनाऊं तो बनाऊं किस पे, मतलब यूँ लगा लो कि बस एक बार ही सुबह गया मैं वहाँ ऑफिस पे जहाँ जिम का काम चल रहा है अपना, उसके बाद से सुबह से ही लेट रहा हूँ, अब क्या बताऊँ, मतलब बुखार हो ही रहा, बुखार ही ना उतर रहा और गला ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ से भी शायद आप पता पड़ रही होगी, बाकी अब ठेकेदार को दोबारा फ़ोन आया हुआ कुछ सामान लाना है तो अब दोबारा जा रहा हूँ वहीं, देखो पता ना कब उतरेगा यार ये बुखार भी, यार अभी दुखी कर दियो मैं तो बिल्कुल। आज थोड़ा कम हुआ काम क्योंकि सुबह से बारिश आ रही है ना, ये थोड़ी थोड़ी सी दीवार हुई है बस, वो लगी हैं दो शीट बस वहां पे, और नहीं तो कल तो भाई पूरा काम खींच के करो, पूरी छत कर दी इन्होंने, अब कह रहे हैं कि कल में हम ये कवर कर देंगे दोनों, मैं चलो भाई कर दो तो अच्छी बात है। खाना बांटने की तैयारी कर रहे हैं बस, खाना अपना आ गया जरा, पूरी है और सब्जी, लगा लो लाइन लगा लो। आज सही है लाइन लग रही है ना, नहीं तो और दिन तो धक्का मुक्की कर रहे हैं। अच्छा तू भी बटवा दे भाई, मुंह बुखार ना होता तो मैं बटवा देता हूँ, भीड़ सी हो रही है पर एक विक्रम तुम कहाँ चल रहे हो, ओए लाइन लगाओ लाइन लगाओ लाइन, हाथ में लग रही है विक्रम तुम एक चीज बता, मैं गले तो परेशान हूँ अपने, तो गलों को तो खराब नहीं लगा ले, ऐसे लगे छा ले जन पकड़ो कुछ इलाज बता तू भाई, फूले अदरक हाँ हल्दी हाँ और नमक उन्हें उबाल ले, गरारे करने हैं मतलब, थोड़ा सा पीना हो गया ले तो आज ही कर देते हो जाएगा एक दिन में फर्क पड़ जाएगा, रात रात में जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा।
चल ठीक है भैया, व्लॉग तो हमारे सारे आज सारे का, दो दिन तक हमारी बीमारी पे ही बन रहा हो, बुखार बुखार पे ही। तो भाई ऑफिस पे से तो मैं निकल दिया, पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, एक मतलब कि है कुछ दो तीन बंदे जो कुछ टिप्पणी कर रहे थे मेरे बारे में। तो उसमें क्या आया कि भाई जैसे मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी है, तो उसमें क्या है, एक तो मैंने जैसे व्लॉग में बता भी रखी है कि मेरी गाड़ी में दिक्कत है, फ्यूल की कुछ दिक्कत है। अगर मैं मतलब 1000 का 1500 2000 का डीजल भी डलवाऊँ ना, तो या तो रिजर्व में दिखाएगी फिर भी, या मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, मैंने आपको व्लॉग में दिखा भी रखा। तो इस चीज़ पर दो तीन बंदे टिप्पणी कर रहे कि यार गाड़ी लेके घूम रहो, डीजल गिरवाएं जा, रिजर्व में रहे हर टाइम। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँ कि चल भाई मो पता है ना, मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मैं तो रिजर्व में ही रहे मेरी गाड़ी, मैं 200-400 को डीजल डलवाऊँ और चलाऊँ और फिर रिजर्व में ही लगी रहे मेरी तो। पर एक बात मैं उनसे पूछना चाहूँ, वो दो तीन बंदे हैं ना जो भाई, दो तीन बंदे हैं, एक तो लैम्बोर्गिनी में घूमे हैं, ठीक है जी, एक हमर में घूमे हैं और एक मैं डिफेंडर में घूमे हैं, और उनकी फ्यूल टैंक हमेशा फुल रहे। यार ऐसे आदमी बोले जिनके कुछ बस की नो है, कुछ भी बस की ना हो उनके, कोई बराबर में है ही ना बराबरी में वे, फिर भी मैं यह चीज ना कह रहा हूँ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जैसे रिजर्व में लग जाए ना गाड़ी, तो मैं इतना डलवाऊँ जितना मुझे काम है, ठीक है। मैं कहीं जाना रहे हो तो यार पागलपंती है ना, मैं फ्यूल टैंक भरवा के खड़ी कर लूँ, मैं हमेशा ऐसे डलवाऊंगा 1000 का 1500 का डलवा लूंगा, रिजर्व में लग जाएगी फिर जब डलवाऊंगा। रिजर्व में भी यार वो गाड़ी स्कॉर्पियो मेरी 75-80 किलोमीटर चले नॉर्मली, ठीक है। तो इस बात पे वो दो तीन जने ये कह रहे कि और गाड़ी ले ली और रिजर्व में ही लगी रहे, तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ भैया तुम करवा दे करो फुल, तुम पैसा वाड़े हो, तुम भाई अंबानी के बेटा हो, तुम करवा दे करो इन कॉमन ने, हमारे तो बस की है नहीं है भाई। मन के भाई मैं उधर मन के उनके ज्यादा दुख हो रहा है यार, विशाल देखे स्कॉर्पियो लेके जा रहा हूँ पर रिजर्व में गाड़ी रहे, तो भैया तुम डलवा दे करो। पर है भी तो ना यार वे कई दिन के आदमी है भी तो ना जो बोल रहे हैं इन चीजन ने, उनके खुद के कुछ बस की है, कुछ भी बस की ना उनके कुछ भी, मतलब बोल बिन हड्डी के जीव है आदमी, बोल लो भाई गाड़ी रिजर्व में ना, गाड़ी में प्रॉब्लम है, यू बात मैंने याद कही, मैंने कह रहा ब्लॉक देखे थे गाड़ी रिजर्व में दिखाई, तो यार वो बताई कि भाई यू गाड़ी में प्रॉब्लम है सेंसर में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मन की अरे चाहे हो मत भाई, सेंसर में प्रॉब्लम हो मत, मैं तो देखो अपने हिसाब से डलवाऊंगा ना। अरे एक बात बताओ, कोई वो डलवा रहे हैं क्या मेरी गाड़ी में डीजल की, भाई जब चला रहा हूँ विशाल भैया, जब भी मेरा पापा दे रहे हैं, मैं खुद गिरवा रहा हूँ, मैं चलाता हूँ, हम खुद ही रहे हैं, खुद ही डलवा रहे हैं, चाहे हमें हम 1,00,000 का डीजल गिरवा रहे हैं चाहे 100 रुपए का गिरवा रहे हैं, गिरवा तो हम खुद ही रहे हैं, या वो गेर के जा रहे हैं उनके घर के गेर के जा रहे हैं हम डीजल है भाई। तो यू है कि ये भैया वो 3-4 जने हैं वे, एक तो हमें चिढ़ने वाली बात है, बिना हड्डी के जीव है, जब ऑन चलानी हर जगह करना कुछ बस की है ना, मुंह पे बोलना उन पे बस की है नहीं, मुंह पे बोल के दिखाओ हम जब जवाब देंगे। कहीं दोरे बैठ के कोई दोरे बैठ जा तो चिड़े, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर पास में बैठ जाओ तो दिक्कत है, विशाल के दोरे कोई बैठ गो तो भैया तू अगर दोरे बैठा मेरे गेल में बैठी हो, ये कर रहा मैं उनके मुंह पे कुछ बोलो ना जाओ, अब बस लगाने वाली बात की भैया तू ऐसे बात है, वो लगा रहा तू ऐसे लगा रहा, और मैं तो चाहूँ भाई वो वीडियो ना उनके दोरों तक पहुंच जा, मन में और पहुंच जाएगी अपने आप, चुपा चुप देखे हैं वैसे, पर वे मुंह पे तो कुछ उनके बस की है ना बोलना, मन में पूरा फितूर रहे उनके कि ये हमारे बदमाश, बहुत बड़े बदमाश है, तो लादेन के बेटा भैया, एक दाऊद इब्राहिम को बेटा है, एक लादेन को बेटा है, अरे बस की कुछ उनके कुछ है नहीं। तो मैं तो चाहूँ वीडियो पहुंच जा उनके दोरे भैया, जब हम देखेंगे मुंह पे बोल के दिखाओ इन चीजन ने, हम तो जब हमारी बुराई कर, हाँ मैंने आज तक कभी किसी के बारे में ऐसा कुछ कही ना है, पर भैया जब ऐसा बोलेंगे तो भैया हम भी बोलेंगे, फिर बात खत्म। तो भैया वीडियो सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, और उनके पास जरूर पहुंच जा, वे अपने आप समझ जाएंगे कौन बंदे, मैं नाम ना लेना चाहूँ, वे अपने आप समझ जाएंगे कौन है वे, कौन है कौन ना है। तो भाई घर पहुंच गए, और एक रिक्वेस्ट है, या वीडियो हो ना जिनके लिए मैंने बनाई है, खासकर जो 3-4 लोग है जो, उन तक जरूर पहुंचा दूँ, जो रिक्वेस्ट है, ठीक है। और लास्ट में ये बोलूँगा चैनल सब्सक्राइब कर दो, राम राम भी।